अकॉर्डिंग टू सेट ए फर्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चे आपका द ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट मेट एट वियना टू साइन द ट्रीटी ऑफ 1815 दीज कंट्रीज वर ब्रिटेन रशिया ऑस्ट्रिया. ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, बी ऑप्शन. बी ओके ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन बी ऑप्शन. अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. द ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट मेट एट वियना टू साइन द ट्रीटी ऑफ 1815 दीज कंट्रीज वर. मैंने आपको याद करवाया था, कैसे याद करवाया था? बी आर पी ए ब्रिटेन रशिया प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन व्हाट डिड लॉ पेट्री स्टैंड फॉर? गिव मी द आंसर. फादरलैंड. इसका ऑप्शन क्या था? सी. ठीक है, हाँ जी. सेकेंड क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस सेट ए. सेकेंड क्वेश्चन राइट आंसर इज सी फादरलैंड. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वॉज नॉट अ यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी. ऑप्शन थे बच्चे आपके जार्डिन एंड स्किनर बर्ड एंड हीगलर एंड्रू यूल एंड एल्गिन. एल्गिन एल्गिन तो मिल का नाम था, आपको याद है कानपुर में एल्गिन मिल का नाम था. तो ये तीन एजेंसी थी यूरोपियन एजेंसी. एल्गिन जो था ये मिल का नाम. तो थर्ड का ऑप्शन राइट आंसर क्या था? डी. ठीक है, देन हु सेड डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वुड नेवर गो डाउन. ऑप्शंस क्या थे आपके? विलियम वन जेम्स वॉट न्यू कॉमन हेनरी पेटिलो. हेनरी पेटिलो राइट आंसर क्या था इसका? बी. हेनरी पेटिलो ने कहा था कि इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी. देन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट. कितने होते हैं यूनियन लिस्ट में? 97. ऑप्शंस क्या थे बच्चे आपको? 66 47 59 97. राइट आंसर क्या था इसका? 97. इसका ऑप्शन ए. ठीक है, कंकरण में 47. नेक्स्ट इज ओके एजर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस थे आप. ठीक है, एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में सबसे पहले टू स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 11. ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड देयर न्यू पोर्ट्स सच एज बॉम्बे एंड कैलकटा एंड इसका रीजन क्या है? ग्रॉस वैल्यू ऑफ सूरत पोर्ट गॉट डिक्लाइन. अगेन आई एम रिपीटिंग. British introduced their new ports such as Bombay and Calcutta. Due to this, gross value of Surat port got decline. तो क्या आना था? A. 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 तो reason ही है. आपने ये बताना है. British introduced their new ports such as Bombay and Calcutta. उन्होंने बॉम्बे एंड कैलकटा को इंट्रोड्यूस किया. After that, सूरत तभी तो वैल्यू तो वही तो है. बच्चे इसका क्वेश्चन क्या है? पोर्ट्स बने तभी ग्रॉस वैल्यू डाउन हुई ना, पहले थोड़ी होगी. आपका थिंकिंग कुछ और है लेकिन आपने आंसर को ऐसे दो, आप कुछ और सोच रहे हो. राइट आंसर इज ए. रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन देखो ना, उसकी एक्सप्लेनेशन है. तो ऑप्शन ये वो थोड़ी बी कैसे आएगा? बी कैसे आएगा? बी बी ऑप्शन क्या कहता है? Both A and R are true, but R is not the correct explanation of. ये wrong थोड़ी है. सूरत नहीं, आप सिर्फ आप ये सोचो कि जो statement है gross value of Surat port declined, तो ये wrong थोड़ी है. Correct है बच्चे, ये correct है. ठीक है, हाँ जी. Next question. Belgium is a small country of Asia and Sri Lanka got freedom in 1948. अब ये देखो,
इसमें जो ए है दैट इज रॉन्ग, बेल्जियम इज नॉट अ स्मॉल कंट्री ऑफ एशिया, तो ये रॉन्ग है, ठीक है. और श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, क्योंकि डी ऑप्शन क्या कहता है, ए इज रॉन्ग आर इज करेक्ट. इसमें भी कोई लॉजिक ढूंढोगे? हाँ जी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका बेटा ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नॉट द ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट. थ्री ऑर्गेन्स बेसिकली कौन से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो ऑटोमेटिकली पंचायत जो था दैट इज नॉट द ऑर्गेन. 15th का पार्ट डी, ठीक है, दैट इज नॉट द ऑप्शन, तो डी आंसर इसका. हाँ जी. उसके बाद है बच्चे करेक्ट जो मैच थे आपके, क्वेश्चन नंबर 18, विक्टर इमैनुअल सेकंड किंग ऑफ इटली, काइजर विलियम वन एम्परर ऑफ जर्मनी, विलियम फोर्थ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से रिलेटेड है इसका नेम, एंड लॉर्ड बायरन इंग्लिश पोएट. तो इसका मैच जो है वो राइट मैच है सी, फर्स्ट विद सी, सेकंड विद डी, थर्ड विद ए, फोर्थ विद बी, ठीक है. इसका राइट ऑप्शन है सी, 18 का सी, ठीक है. हाँ जी. नेक्स्ट इज 19 क्वेश्चन, मैच द कॉलम. इसमें भी आपने प्रॉपर मैच करना था और जो राइट ग्रुप है उसको आपने टिक करना है. कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया. होल्डिंग टुगेदर स्पेन. लिंग्विस्टिक स्टेट जो स्टेट लैंग्वेज के बेस के ऊपर बनी है, गुजरात. कल्चर बेस जो है दैट इज झारखंड, ठीक है. तो इसका राइट ऑप्शन जो है दैट इज डी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट, जहां तक मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बच्चे, ठीक है. ओके कनिष्का, हाँ जी. एनी अदर डाउट रिगार्डिंग दिस? हाँ जी भावना, कीप माइक ऑन. मैम वो assertion reasoning में डाउट है फर्स्ट वाला. हाँ जी बोलो बच्चे. मैम उसका बी ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि ना बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है कि पहले जो ब्रिटिश यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने कंसेशंस दिए, मोनोपोली राइट सिक्योर किए, उसकी वजह से जो वो पोर्ट्स है हमारे सूरत और हुगली वो डिक्लाइन हुए, और जब वो पोर्ट्स डिक्लाइन हुए फिर बॉम्बे और कैलकटा को मिली पावर. बच्चे पहले उन्होंने बॉम्बे और कैलकटा का इम्पोर्टेंस दी, आपने इसको ऐसे याद करना है. पहले उन्होंने बॉम्बे एंड कैलकटा को इम्पोर्टेंस दी, तभी तो सूरत की वैल्यू डाउन हुई ना. पहले फर्स्ट आएगा ब्रिटिश इंट्रोड्यूस देयर न्यू पोर्ट्स सच एज बॉम्बे एंड कैलकटा. पहले नए पोर्ट्स बनेंगे तभी तो पुराने पोर्ट्स की वैल्यू कम होगी. हाँ सपोज अगर बॉम्बे एंड दिल्ली जो है वो फेमस सिटीज है, सपोज इंडिया में कुछ और फेमस सिटीज बन जाती हूँ. हाँ जी बच्चे, पहले बॉम्बे एंड कैलकटा पोर्ट्स को उन्होंने डेवलप किया, उसका रीजन है ग्रॉस वैल्यू ऑफ सूरत पोर्ट डिक्लाइन, ठीक है. क्लियर भावना? ओके मैम. यस. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अखिलेश इज अ स्टूडेंट ऑफ 10th बी क्लास एंड इज कंफ्यूज इन ऑर्डरिंग द फॉलोइंग इवेंट्स. सो एज अ सोशल साइंस एक्सपर्ट यू विल हेल्प हिम टू राइट द गिवन इवेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर. तो इवेंट्स जो हैं, सबसे पहले आपने इनको इनके ईयर याद करने थे ना, ईयर को प्रॉपर आपने लिखना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. और उसके बाद लाइक जॉन वेरिन का प्रॉपर ईयर कौन सा, 1834. फोर प्रिंट्स ऑफ फ्रेडरिक सॉरियो 1848. ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन 1832 जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल हुई थी. नेपोलियन कोड 1804. तो ऑटोमेटिकली आपने इसको इवेंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है, ऑर्डर करना है. 1804 फोर्थ, उसके बाद थर्ड ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन 1832, उसके बाद 1834, देन 1848. 4, 3, 1, 2. क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन, ठीक है. एनी डाउट? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ठीक है. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, राइट इन सीरियल ऑर्डर. कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज सेट इन बेल्जियम. कमिंग ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट इन इंडिया. श्रीलंका गॉट फ्रीडम
एंड वॉयलेंस इन तमिलनाडु विद हिंदी इंग्लिश शुड ऑल्सो मेक ऑफिशियल लैंग्वेज. तो इसको ईयर के अकॉर्डिंग आपने इसको मेंशन करना था. तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें श्रीलंका, श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948. तो ऑब्वियसली आपका थर्ड ऑप्शन जो थर्ड है वो ही पहले आएगा सीक्वेंस में. तो बी, इसका बी ऑप्शन क्या है, 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2 इसका राइट ऑप्शन, 23 का बी ऑप्शन. ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है. मेजनी एनकरेज द पीपल ऑफ विच कंट्री टू बिकम अ नेशन स्टेट. तो इसमें आपने मेजनी की कंट्री बतानी है कि मेजनी जो था वो इटालियन रेवोल्यूशनरी, तो इटली. मेजनी वॉज अ मेंबर ऑफ विच सोसाइटी, सोसाइटी का नाम कार्बोनरी. देन क्वेश्चन नंबर 27, रेवोल्यूशनरी बिलीव्ड इन ऑटोक्रेटिक रूलर में विश्वास करते थे, स्लो चेंजेस को कंजर्वेटिव करते थे, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स और मोनार्किकल फॉर्म्स. राइट आंसर इज क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी सोसाइटीज, सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप बाय मेजनी. टू, कौन सी थी, यंग बर्न एंड यंग, टू है इसका राइट ऑप्शन है बी. ठीक है, हु वॉज मेजनी, कंट्री नेम बतानी है तो इटालियन रेवोल्यूशनरी. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 30, पंचायती राज इंक्रीजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ, 1/3 सीट्स दी थी तो ऑटोमेटिकली किसकी परसेंटेज ज्यादा बढ़ी, वेमेन. तो राइट आंसर क्या है इसका, 30th का बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वेमेन. देन पंचायती राज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल, इट्स मेजोरिटेरियनम और वर्टिकल और कोलिजन. वर्टिकल, वर्टिकल क्या होता है, सेंटर, उसके नीचे स्टेट और उसके नीचे क्या होता है, लोकल, लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट कंप्राइज ऑफ पंचायती राज. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 32, पंचायती राज इंक्रीजेस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज एज, बाकी ऑप्शंस देखो, इट एलिमिनेट्स द करप्ट मिडलमैन, इट गिव्स पावर्स टू रिच, इट डजंट बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट, इट गिव्स राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस ओनली टू मेल. ऑटोमेटिकली इज द फर्स्ट, पंचायती राज क्यों, जब सरपंच के इलेक्शन होते हैं एनी बॉडी कैन कंटेस्ट इलेक्शन, उसमें कोई रिच और पोअर थोड़ी, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि रिच विल कंटेस्ट होंगे, ये रिच को कैसे पावर देंगे, पंच और सरपंच तो कोई भी कॉमन पीपल भी बन सकते हैं, उन्होंने कहीं ये थोड़ी लिखा है कि जो सिर्फ रिच पीपल है वही पंच और सरपंच बनेंगे. ये तो आप वो बता रहे हो करप्शन की बात को, वो तो हम कहते हैं कि बच्चे चीटिंग नहीं करनी, बच्चे फिर भी चीटिंग करते, हमने ये थोड़ी बताना है कि करप्शन क्या है, हमने तो ये बताना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी कहेगा कि हाँ पंचायती राज जो है वो रिच को सपोर्ट करता है, हमने ये बताना कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा. ठीक है, अब आप कहोगे कि हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर दैट लॉ इज इक्वल टू ऑल, इक्वल मैन एंड वेमेन आर इक्वल, लेकिन अगर कंट्री में वेमेन जो है वो इक्वल नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने थोड़ी कहा है, वो तो लोग हैं जो लोग इक्वलिटी नहीं दे रहे. देन इज पंचायती राज इंक्रीजेस एडमिनिस्ट्रेटिव, ये हो गया हमारा पंचायती राज एस्टेब्लिश, टू डिक्टेटरशिप, टू मोनार्की, टू कंजर्वेटिव स्टेट, टू डेमोक्रेसी. बहुत ईजी है, 33 का सी ऑप्शन. ठीक है, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट वट एवर आई हैव डिस्कस. ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट इज हु पब्लिश डॉन ऑफ द सेंचुरी. ये आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज फ्रॉम अ पिक्चर, दैट इज ई टी पॉल. हु पब्लिश डॉन ऑफ द सेंचुरी, सी ई टी पॉल. हु डिमांडेड एलम इन श्रीलंका, ऑब्वियसली तमिल्स जिनको एक्सप्लॉटेशन जो है वो मिली थी. स्लेव्स वर द इनहैबिटेंट्स ऑफ बाल्कन, जो बाल्कन एरियाज थे यूरोप में उनकी कम्युनिटीज को क्या बोलते थे, स्लेविक कम्युनिटीज. देन क्वेश्चन नंबर 46, ये जो पिक्चर है दैट इज रिलेटेड विद द फोर प्रिंट्स ऑफ फ्रेडरिक सोरियो. राइट ऑप्शन इज सी. हाँ जी एनी डाउट रिगार्डिंग सेट ए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी those who are present offline.
हो गया। अभी है सेट बी। यस कनिष्का, हाँ जी मैम, 44th का क्या आंसर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44th है आपका। ओके हाँ, अलादीन रिप्रेजेंट्स ईस्ट एंड पास्ट। 43 जो है आपका, 43 क्वेश्चन ये आपका रह गया ना। 43, 44 और 45 के आंसर्स रिपीट कर दो एक बार। सेट ए है ना, सेट ए। एक मिनट। यस मैम, सेट ए। Who published Dawn of the Century? E.T. Paul. ठीक है, 44th क्वेश्चन जो है, that is who demanded alum in Sri Lanka? Tamil. Slaves were the inhabitants of Balkan areas. ठीक है, any other doubt? No? No ma'am. No ma'am. हाँ जी भूमिका, हाँ जी बेटा। मैम 18th का क्या आंसर है? सेट ए का। सेट बोलो बच्चे, हाँ जी 18th क्वेश्चन बेटा, इट इज सी। ओके मैम, थैंक। एनी अदर डाउट? नो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सेट बी। हाँ जी, द ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन वॉज। हाँ जी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रशिया। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है डी। सी प्रॉपरली। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड दास बॉक्स स्टैंड फॉर? ये हमारा कल्चर का क्वेश्चन था, कल्चर जिसमें रोमांटिसिज्म है। ऑप्शंस थे आपके डेमोक्रेसी, स्लम डेवेलर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, कॉमन पीपल। कॉमन, दास वॉक का मतलब ही क्या होता है? कॉमन पीपल। किसी कंट्री की स्ट्रेंथ या रियल कंट्री को देखना हो तो कॉमन पीपल में रियल कंट्री की रिफ्लेक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? ऑप्शंस थे आपके सेठ हुकमचंद, दिनशा पेटे, जमशेद जी नुसरन, मंजी टाटा, द्वारकानाथ टैगोर। आंसर इज जे एंड टाटा। ठीक है, हु क्रिएटेड द कॉटन मिल? न्यूकॉमन, जेम्स वॉट, विलियम्स और रिचर्ड ऑकराइट। राइट आंसर इज रिचर्ड ऑकराइट। क्वेश्चन नंबर 4th का ए पार्ट। ठीक है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन कंकरेंट लिस्ट? 47। 5th का है बी। ठीक है, यस क्वेश्चन नंबर 11। Merchants moved towards the countryside. In towns, trade guilds were powerful. Obviously, A. Merchants सभी move किया ना मैंने कंट्री साइड, बिकॉज सिटीज में क्या था? ट्रेड गिल्ड वर देयर। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट इज, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल देन देयर इज अ सिविल वॉर इन श्रीलंका। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड देयर इज सिविल वॉर इन श्रीलंका। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है, लेकिन रीजन जो है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसका बी है। नेक्स्ट इज, विच इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज, मैच द, इसके ऑप्शंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज। मैच द कॉलम्स, यंग इटली विद मैजिनी, डॉन ऑफ द सेंचुरी ईटी पॉल, बिस्मार्क ऑफ इटली, काउंट कावूर, जूट मिल सेठ हुकमचंद। तो इसका राइट ऑप्शन बनता है सी ग्रुप। फर्स्ट का सी था, सेकेंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, डिफेंस एंड करेंसी यूनियन लिस्ट में। तो फर्स्ट देखकर ही आपको क्लियर हो जाता है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में फर्स्ट के साथ किसी के साथ भी बी नहीं है। तो फर्स्ट बी, ये ऑप्शन है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 19 का एग्जैक्ट ऑप्शन आपका बनता है बी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 22, मेहुल ऑफ टेंसी इज गेटिंग कंफ्यूज्ड इन ऑर्डरिंग। सो इसके ऑप्शंस क्या हैं? जो एक्सप्लेनेशन है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ग्रीक वॉर, रिवोल्ट इन सिलेशिया, ट्रिटी ऑफ वियना। तो चारों ऑप्शंस को पढ़ के आपको पता था सबसे पहले कौन सी इवेंट हुई थी? ट्रिटी ऑफ
वियना, तो फोर्थ यानी कि फोर्थ सेकंड थर्ड एंड वन, तो इसका राइट करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा, जो ऑप्शन है सी, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका सी. एनी डाउट टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जिनका सेट बी है, दे वांट टू आस्क समथिंग? हाँ जी, एनी डाउट बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. जॉलवेरिन, जॉलवेरिन वॉज अ, इट वॉज अ कस्टम बैरियर, करेंसी, कस्टम यूनियन और यूनिट ऑफ मेजरमेंट. कस्टम यूनियन थी, ग्रुप था ये. इट वॉज पास इन विच ईयर? 1834. इट वॉज पास विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया. इट मीन्स जॉलवेरिन का प्रॉपर जो पैराग्राफ है, ठीक है, जो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है उसमें थे ये. विद द कमिंग ऑफ जॉलवेरिन नंबर ऑफ करेंसीज रिड्यूस्ड. 30 थी पहले, कितनी हो गई? 2. ठीक है, राइट ऑप्शन ए. हाँ जी अंशिका, यस कीप माइक ऑन. यस बेटा. यस मैम. मैम 23rd क्वेश्चन मिस हो गया. ओके 23rd, ठीक है. 23rd है, राइट इन सीरियल ऑर्डर. नंबर 1, ये बहुत ध्यान से सुनो बच्चे. हाँ जी दिलप्रीत, सिट प्रॉपरली. नंबर 1, बेल्जियम बिकेम अ फेडरल कंट्री. एक्ट वॉज पास बाय श्रीलंकन लीडर्स. अमेंडमेंट्स वर मेड इन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वॉज सेटअप इन बेल्जियम. इसमें से सबसे पहले श्रीलंका के लीडर्स ने जो एक्ट पास किया था वो था 1956. तो चारों इवेंट्स में सबसे पहले ही हुई है 1956, तो इसका ऑर्डर ही क्या बनेगा, सेकंड से स्टार्ट होगा इसका ऑर्डर. तो सबसे पहले आपका फर्स्ट आपको आंसर मिल जाए ना, तो आपको ग्रुप करना जो है वो इजी हो जाता है. लाइक फर्स्ट में है थर्ड, सेकंड में सेकंड है, थर्ड में था फर्स्ट और फोर्थ में था फोर्थ. तो आपको ये ऑप्शन मिल गया कि इसमें सेकंड नंबर सबसे पहले ही एक्ट वॉज पास बाय श्रीलंकन लीडर्स इन 1956. 1956 में सबसे पहले श्रीलंका में एक्ट पास हुआ, तो ये ग्रुप आपका ऑटोमेटिकली ये आपका सही होगा अगर आपको पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है तो. उसके बाद फिर क्या हुआ, दोनों इवेंट साथ साथ हैं, ठीक है. अमेंडमेंट्स वर मेड इन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरी तरफ क्या था, अमेंडमेंट चल रही थी 1970 के बाद. 1970 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी अमेंडमेंट्स हुई, तो ये आया थर्ड नंबर पे. फिर आया थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वॉज सेटअप इन बेल्जियम. जब अमेंडमेंट्स हुई, उन अमेंडमेंट्स में कौन सी अमेंडमेंट की गई कि बेल्जियम में थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी. एंड लास्ट में जब अमेंडमेंट हो गई, सारी की सारी पॉलिसीज बन गई, देन बेल्जियम बिकेम अ फेडरल कंट्री नंबर 1. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सीरियल ऑर्डर में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1. तो आपने जब भी कोई दो इवेंट्स कर रहे हो चैप्टर में, एक तरफ आप पढ़ रहे हो बेल्जियम, एक तरफ पढ़ रहे हो श्रीलंका, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है दैट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ मैच द कॉलम्स एमसीक्यूज. ठीक है, इवेंट के अकॉर्डिंग आपको ईयर याद करना है या अराउंड नंबर ऑफ ईयर्स याद करो. जैसे आपको एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता, अमेंडमेंट्स वर मेड, ग्रुप ऑफ ईयर दिया हुआ है आफ्टर 1970, तो नियर अबाउट आपने वो ईयर याद रखना. इसके बाद हाँ जी एनी डाउट? 23rd का है बच्चे, राइट ऑप्शन है बी. ठीक है, हाँ जी, एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, हाउ मेनी कस्टम बैरियर्स वर क्लियर्ड बाय द मर्चेंट्स. एक मर्चेंट को एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए कितने बैरियर्स को अप्रोक्सीमेटली क्रॉस करना पड़ता था और कितनी बार एक्साइज ड्यूटीज देनी पड़ती थी? 11. राइट आंसर इज 11. 29th का बी पार्ट है इसका. ठीक है, हाँ जी राघव. नेक्स्ट इज पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ऑर्गन्स को हम एक लाइन में लिखते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और उस लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस. ठीक है, 31st जो क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ पावर्स. सेपरेशन ऑफ पावर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स को सेपरेट किया गया है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, यानी कि सारे एक ही लेवल पे हैं, उनकी पावर्स को डिवाइड कर दिया गया. पावर सेम है, चेक एंड बैलेंस है, एक ही मतलब जो है वो लाइन पे. इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स. सेपरेशन ऑफ पावर इज देयर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स. इसका
पता क्या होता है, कई बार चार आंसर्स हैं आपको सारे एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसमें से आपको देखना है कि मैक्सिमम जो है, जो क्लोज आंसर है, ठीक है, ये है डिफरेंट ऑर्गन्स। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट सेटअप इन बेल्जियम, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट किसकी एग्जांपल है? ऑप्शंस थे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पावर शेयर्ड बाय सोशल ग्रुप्स और कोलिजन गवर्नमेंट, सोशल ग्रुप्स। 32 का क्वेश्चन जो है इसका राइट ऑप्शन है सी। एनी डाउट? एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो, देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्वेश्चन 43, अलादीन, अलादीन किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट, और अगर मॉडर्निटी की बात करें तो पास्ट, क्योंकि इसमें ऑप्शंस क्या दिए, ईस्ट एंड पास्ट, वेस्ट एंड मॉडर्निटी दोनों क्रॉस है, वेस्ट एंड पास्ट वो भी क्रॉस है, ईस्ट एंड मॉडर्निटी वो भी क्रॉस है, ठीक है। तो मैच कौन से करते हैं? ईस्ट एंड पास्ट, ठीक है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स, प्रोटो का मतलब ही क्या होता है? प्रायर और बिफोर, पीरियड बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर टाइम पीरियड आता तो, सपोज टाइम पीरियड आता तो 17th-18th century, ठीक है। हाँ जी, काउंसलर्स आर द मेंबर ऑफ इट्स ग्राम सभा, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है आपकी बुक में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था ये, यस, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। यहाँ पे कौन सी मीटिंग हो रही है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। हाँ जी बच्चे, एनी डाउट? अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक ही क्वेश्चन के दो आंसर मार्क किए, तो दैट विल बी रॉन्ग, है ना। हाँ जी कनिष्का। मैम आप ग्रुप में दोनों सेट्स के क्वेश्चन पेपर शेयर कर दोगे? ओके बेटा, करेक्ट आंसर्स के साथ प्लीज। ठीक है मैम, सवेरे करते हैं।